शिक्षा का मंदिर विद्यालय जहां से डॉक्टर इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार होते हैं, इसी का एक बहुत ही चौंकाने वाला वाक्य देखने को मिला। आजादी के समय बना विद्यालय आज भी फुटबॉल की तरह इधर से उधर ठोकरे खाने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं किशोरपुरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की, जो 1945 में तत्कालीन शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन कोटा बैराज बनने के बाद विद्यालय डूब क्षेत्र में आ गया और इसे पास के ही जेठी समाज के अखाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। तब से आज तक यह निरंतर यही चलता आ रहा है कि खुद की भूमि भवन नहीं होने पर विद्यालय में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य वर्षों से नहीं हो पाया। विद्यालय में आज भी एक नीम का पेड़ है, उसके चारों ओर टीन शेड लगाकर छात्रों को पढ़ाया जाता है। अब शिक्षा विभाग इस विद्यालय को फिर दूसरी जगह स्थानांतरित कर रही है। विद्यालय के प्रचार ने बताया कि इस विद्यालय को अब मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना में शिफ्ट किया जा रहा है। विद्यालय की एक ब्रांच मोहनलाल सुखाड़िया में प्रारंभ की गई है। शैक्षणिक सत्र 2022 पूरा होने के बाद इस विद्यालय को पूर्ण रूप से वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं विद्यालय में छात्रों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। विद्यालय आज़ादी के समय का है, इसे उतना ही सम्मान दिया जाना था, लेकिन हम आज़ादी के समय की धरोहर को देते हैं। लेकिन विडम्बना देखिए, शिक्षा के इस मंदिर की उपेक्षा आज तक होती रही। यहाँ से पढ़े छात्रों ने कई बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन किसी ने इसकी पलट कर सुध तक नहीं ली। ये विद्यालय 1947 का है, जो पांचवी एक से पाँच तक चलता था, उसके बाद में मिडिल हुआ, 2018 में सेकेंडरी स्कूल हुआ। अब ये क्या है कि अभी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। अब इसको शिक्षा विभाग द्वारा UIT से मोहनलाल सुखाड़ी आवासीय योजना में बिल्डिंग अलॉटेड हुई है 15 मार्च को, तो इस सत्र में स्कूल विद्यालय यहीं चलेगा और वहाँ भी कक्षा एक से पाँच तक स्टार्ट करते हैं, एडमिशन शुरू कर दिया है। अभी वर्तमान समय में 200 स्टूडेंट है इस विद्यालय में। अब बच्चे तो यहाँ से कहीं आसपास की स्कूल में पढ़ेंगे, तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वो बिल्डिंग तो। हाँ।